बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटरफेरेंस खत्म कर दिया था है ना, और इंटरफेरेंस में हम लोगों ने देखा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। फिर क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी तो आप लोगों ने कहा सर अगली क्लास में कर लेंगे, तो अगली क्लास चालू होती है। तो बेटा आज जो टॉपिक है वो हमारे पास आता है सस्टेन इंटरफेरेंस का। कौन सा आता है? सस्टेन इंटरफेरेंस। अब देखो बेटा सस्टेन इंटरफेरेंस क्या कहता है। सस्टेन इंटरफेरेंस बेसिकली एक कंडीशन ही है जो हमारे पास पिछली कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी उसके बेसिस पर हमारे पास सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन आती है। और वो कंडीशन हमसे क्या कहते हैं, हमारे पास जो रिजल्टेंट आया था वो क्या आया था, ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव, ये हमारे पास रिजल्टेंट आया था राइट, ये चीज आया था। लेकिन इस बार आपसे क्या कहता है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी सस्टेन इंटरफेरेंस की कंडीशन होती है तो वो क्या होती है, याद रखिएगा, जब हमारे पास दो वेव्स ऐसी होती हैं कि उनका जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो जाए, ऐसे कंडीशन में उस इंटरफेरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस क्या है किताबों की डेफिनेशन के साथ, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव्स आर इक्वल देन दिस कंडीशन इज नोन एज सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। ठीक है, ये चीज हमें सामने समझ में आ जाती है। तो हमारे पास नेट वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। अब देखो इसको इक्वल रख देता हूं, ये आर स्क्वायर है तो r square is equal to, देखो a1 की जगह पर a लिख देता हूं, इसलिए पर a यहां पे भी है राइट, तो ये आ जाएगा a1 square plus a2 square plus 2aa, मतलब a लिख दूं इसको cos phi आ जाएगा बेटा। यहां पर मेरे पास r square is equal to 2a square plus 2a square cos phi आ गया। यहां पर क्या हो जाएगा, r square is equal to 2a square कॉमन ले सकता हूं 1 plus cos phi चलेगा, 1 प्लस cos phi को मैं कह सकता हूं 2 cos square phi by 2, 1 प्लस cos phi = 2 cos square theta by 2, याद है? तो r square is equal to 2 a square into 2 cos phi square theta by 2 राइट, 1 प्लस cos phi = 2 cos square theta by 2 लिख सकते हैं ना, तो मैंने वो लगाया। तो आपके पास क्या आ गया, r square is equal to 4 a square cos pi square by 2 चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप लोगों से कहा जाए कि लेट्स से लेट r square is equals to i and 4a square is equals to i, इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं कि r square के रिजल्टेंट इंटेंसिटी में इसको i मान लिया और 4a square को i मान लिया, ठीक है? तो आपके पास इक्वेशन क्या जाएगी, इंटेंसिटी i is equals to i not cos square, ओहो cos pi square लगा रखा है, cos square pi by 2, ठीक है, समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहां पे हमें दो तीन चीजें देखने को मिलती हैं, क्या कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी बेटा वो हमारे पास कब होगी, जब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, जब वाली वैल्यू 1 हो जाएगी तो मैक्सिमम के लिए cos square phi की वैल्यू 1 होनी चाहिए, by 2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, इसका मतलब हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 4, बेसिकली 4a square यार, ये वैल्यू है मैक्सिमम, तो और मिनिमम के लिए वैल्यू आ जाएगी 0, और मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 राइट। अब बाय 2 वैल्यू है, यहां पर ध्यान से देखिएगा, 4a स्क्वायर बाय 2 वैल्यू है, इसीलिए इसका एंगल है, बट फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि बेटा रिजल्टेंट में जो वैल्यू आनी चाहिए थी मैक्सिमम 4a स्क्वायर है और मिनिमम 0 है, ठीक है? तो सर हमारे पास ये वैल्यू का डिफरेंस तो 4a स्क्वायर आ रहा है, यानी कि 0 से सीधा 4a स्क्वायर पहुंच रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर 0 से सीधा 4 जा रहा है, देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूं, एक्चुअल में जो ग्राफ जाना चाहिए वो कुछ इस तरीके से जाता है, ये हो गया आपके पास, ये आ गई आपके पास मिनिमम कंडीशन, ठीक है? अभी मिनिमम कंडीशन के बाद ये लाइन है पाई की, इसकी लाइन है पाई की, तो ऐसे इधर भी जाएगा तो एनर्जी को सेम ग्राफ बनेगा, ये सेम तो पता नहीं बनेगा या नहीं, ये ऐसे जाता है, ठीक है? ये पाई की, यानी कि ये माइनस पाई की है, ये पाई की होती है, ठीक है? अब इसके बाद ग्राफ क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, फिर यहां आ जाता है 2 पाई, फिर यहां पे क्या आ जाएगा, ये 3 पाई, फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर क्या होगा, 4 पाई, यानी कि कांस्टेंट रहता है पाई पे, वो मैंने आपको ये बताया था ना, 0 क्या 2 पाई पे चीजें अपने आप को रिपीट कर रही है, कंस्ट्रक्टिव का केस था, ठीक है? तो हमारे पास ये एक्चुअल में 4 पाई, फिर ये क्या आ जाएगा 5 पाई, सेम ग्राफ लेफ्ट में बनेगा बेटा। अरे यार डायग्राम तो मेरे पता ही है, एडजस्ट तो कर ही लोगे तुम, मुझे भी पता है ये बात,
हाँ इसकी वेव, इसकी वेव ऐसी आ रही है ना, ऐसी नहीं होती। मतलब अभी हम आगे देखेंगे, 12th क्लास में पढ़ेंगे लाइट की। मतलब ये हमारे पास डायग्राम बन रहा है वाई वर्सेस एक्स का, ही कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है कि प्रतीत हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये सिर्फ कुछ वेव्स के लिए जहाँ पे हमारे पास कोई भी चीज लॉस नहीं हो रही है ना, क्योंकि लाइट ऐसे हिसाब से लाइट हमेशा जो है आगे जाती है, बिल्कुल पूरा उजाला करते रहना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है कि आप टॉर्च से अगर लाइट जलाओगे तो ऐसा थोड़ी कि पूरा आगे तक लाइट चलती रहती है, कुछ समय तक ही दिखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है वो हम लोग 12th क्लास में वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे, बट उसका बेस सबका ये ग्राफ 12th ही पढ़ेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग इसे तो जो गलती है वो आगे पढ़ेंगे ना, कुछ चीजें 12th के लिए छोड़ दो है, सारी चीजें पढ़ोगे। अच्छा माइनस पाई, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस टू पाई, ये इधर समझ लो माइनस टू पाई, ये माइनस थ्री पाई, ये वाला पॉइंट माइनस फोर पाई। अब आप ये माइनस पाई, अब आप ध्यान से देख पाएंगे तो एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पे जीरो है, तो यहाँ पे जो नया वाला इंटेंसिटी आएगी अगली कितनी आएगी, फोर ए स्क्वायर आएगी। फिर यहाँ पे भी कितनी होगी, ये मैक्सिमम हो रहा है ना ये, और मैक्सिमम के केस में हमारे पास कितने आ रही थी कहानी, फोर ए स्क्वायर की आ रही थी। तो इसका मतलब हम लोग इसको तो एलिमिनेट ही कर रहे हैं एक्चुअल में, ये तो हमारे पास एक कंप्लीट वेव को दर्शा रहा है ना। देखो यहां से लेकर ये हमारे पास एक कंप्लीट वेव है, तो इसकी जो एनर्जी आनी चाहिए थी वो टू ए स्क्वायर आनी चाहिए। इसके हिसाब से तो हमें ऐसा लग रहा है कि सर ये जीरो से फोर ए स्क्वायर डायरेक्ट आगे टू ए स्क्वायर काम के बीच वाला, राइट, टू ए स्क्वायर काम के बीच वाला। तो कई बार ऐसा लगता है कि जो हमारे पास एनर्जी है उसके लॉ को वायलेट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि हमारे पास ये जीरो से फोर ए स्क्वायर पहुंचती है, यहाँ पे तो जीरो है, तो बेसिकली जो वैल्यू जाती है कहां से जाती है, मिनिमम पे जीरो होकर फोर ए स्क्वायर पे जाती है। तो फोर ए स्क्वायर रिपीट क्यों हो रहा है यहाँ पे, इसके बाद तो हो गए ना बेटा, फिर ये जीरो हो गए मिनिमम पे, फिर मैक्सिमम पे फोर ए स्क्वायर हो गया, फिर मेरे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअली जो वैल्यू जा रही है वो कहाँ से कहाँ पे जा रही है, जीरो से फोर ए स्क्वायर में जा रही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, टू ए स्क्वायर। अगर मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वैलिड रखना है तो मुझे क्या चाहिए वैल्यू, टू ए स्क्वायर। वो टू ए स्क्वायर आती है। एक्चुअल में क्या है, आप अगर जीरो से फोर ए स्क्वायर का एवरेज निकालोगे ना तो ये टू ए स्क्वायर ही आएगा। एवरेज तो ये है ना, एवरेज इंटेंसिटी अब भी टू ए स्क्वायर ही है। ये तो मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन आप ले रहे हो ना, तो आपसे पूछ जाता है आप ऐसा कैसे शो करेंगे कि आपके पास जो सस्टेन इंटरफेरेंस होता है तब भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड रहता है। तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आपका जीरो से लेकर फोर स्क्वायर तक जा रहा है, इसके हिसाब से आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो सकता है आप डिसोबे कर रहे हो। लेकिन जब हम एवरेज देखते हैं तो सर या मैम जो हमारे पास भी आंसर आता है वो टू ए स्क्वायर ही आता है, इसीलिए इट इज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपके पास सस्टेन इंटरफेरेंस की कहानी है। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को फॉलो नहीं करता, कर रहा है। अगर जीरो से फोर ए स्क्वायर होता तो नहीं करता, लेकिन हमने देखा ये हम लोग यहां से यहां तक का निकाला था, एवरेज वैल्यू अभी टू ए स्क्वायर ही आ रही है। अच्छा तो सही है, हाँ इसीलिए सही है, ठीक है। तो यानी कि ये चीज हमारे पास जो है सस्टेन इंटरफेरेंस की कहानी आ जाती है, ठीक है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, क्योंकि आगे भी हमारे पास क्वेश्चंस भी करने हैं और बहुत सारा काम बचा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास जो आई कहानी आती है, जनरली स्कूल में चांस कम है कि कराया जाए, लेकिन कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन बन सकता है बेटा क्विंस ट्यूब का। इसका क्विंस ट्यूब का, क्विंस ट्यूब क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो आपकी जो आपने वेव डाली है उसकी स्पीड कितनी होगी अगर आपको वो पता करना है तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, क्विंस ट्यूब। अब क्विंस ट्यूब क्या है, बनेगा तो मेरे से पता नहीं है, एक डिवाइस है मैं कोशिश कर रहा हूं बनाने का, जिसकी मदद से हम लोग किसी भी वेव की स्पीड का पता कर सकते हैं। एक ऐसी ट्यूब होती है पहले, ठीक है, अब इस ट्यूब के ऊपर एक और ट्यूब की कवरिंग कर दी जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से ट्यूब मिलेगी आपको, ये समझ में आया। यानी कि एक ट्यूब ये है और यहां पर आप जो है किसी भी टोंग होते हैं, इससे टोंग से जो है फ्रीक्वेंसी आपके स्कूल में भी कराया होगा, ठीक है, डॉक्टर के पास ही ना ये चीज होती है, आपके घुटने वगैरह होते हैं ठीक करने के लिए टोंग से आता है, हाँ तो वो सब ये चीज होती है, ठीक है। तो आपने यहां से कोई फ्रीक्वेंसी सेट करी, ठीक है, अब जो साउंड की वेव है यहां से जाएगी, इसके दो रास्ते हैं, ये रास्ता L1 और ये रास्ता L2। बेसिकली से यहां पे क्या है, रिसीवर, यहां पे क्या है रिसीवर, या फिर आप कान बना दो, ठीक है, ये कान, ठीक है, यानी कि रिसीवर से है, समझ लो कान ही, ठीक है, यहां पे सोर्स। अब आपसे पूछेगा इसकी वेलोसिटी कितनी, आपसे पूछेगा वेलोसिटी कितनी, अब दो तीन बातें जरा ध्यान सुनना, वेव की, हां वेव की वेलोसिटी ऐसे निकालते हैं। अब आप मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, कि जब आपने यहां से लेकर
वेव डाली तो वेव को दो रास्ते मिलेंगे, एक तो L1 रास्ते से जाएगा, एक L2 रास्ते से जाएगा, है ना। और L2 रास्ते से जाएगा दूसरी ट्यूब के अंदर भी दबा जाएगा, और L1 वाले रास्ते में से फर्स्ट ट्यूब के अंदर जा रहा है, राइट। मैंने कहा कि मैंने इस तरीके से उसे बजाया कि मेरे पास मैक्सिमम साउंड आया, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया, ठीक है। तो मैंने कहा कि पाथ डिफरेंस की वजह से आता है, और वो किसके इक्वल हुआ करता था, n टाइम्स लैम्डा, समझ में आ रहा है, L2 माइनस L1 n लैम्डा के इक्वल हुआ करता था। भाई जो भी मेरे पास पाथ डिफरेंस आएगा उसकी वजह से मेरे पास लैम्डा n लैम्डा के टर्म्स में चलता जाएगा, तो हम लोग देखेंगे था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आप लोग क्या करते हैं, इस ट्यूब को, ये ट्यूब इस तरीके से फिट रहती है कि आराम से आप जो है इसे हिला सकते हो, पीछे निकाल सकते हो, आगे निकाल सकते हो इसको आराम से। तो लेट्स से कि मैं इसको x डिस्टेंस पीछे खींचता हूं, सच दैट मैं डॉटेड बना रहा हूं, सच दैट कि ये बता रहा हूं बेटा, सच दैट कि आप इसको यहां पर ले गए ऐसे, ताकि आप लोगों को, अब ये भी तो पता करना पड़ना है ना कि हमारे पास जो दूसरा है वो कहां पे जाएगा। अरे यार समझ गए, आप इसको पीछे खींच रहे हैं, क्यों बेटा, क्योंकि आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, पहले एक आएगी ना, दो इक्वेशन चाहिए मुझे सेव करने। तो बेसिकली आपने क्या किया, इसको पीछे खींच दिया, समझ गए, ये वाला डॉट वाला जो है आपको दिख रहा होगा, मैंने इसको पीछे खींच दिया, समझ जाना, डायग्राम मेरे समझ सकते हो, इतना दर्द तो मैं समझ सकता हूँ। अब आपने यहां से मान के चलो ये एग्जिस्टेंस पीछे खींच, समझ ध्यान से, एग्जिस्टेंस पीछे खींच, मेरे को ये बताओ एग्जिस्टेंस पीछे खींचने पर जो चेंज इन लेंथ है वेव के लिए वो कितनी हो जाएगी, एल एक्स कुछ नहीं, टू एक्स चेंज होगी। रीजन क्या है, देखो आपने इसे यहां से x डिस्टेंस पीछे खींचा, तो बेसिकली वेव का x डिस्टेंस ये ज्यादा चलनी पड़ेगी, और ये वापस यहां पे आने के बाद ये वाली डिस्टेंस ज्यादा करनी पड़ेगी, तो इसलिए टोटल डिस्टेंस चेंज आएगा वो कितना आएगा, x डिस्टेंस पीछे खींचने पर 2x का चेंज आएगा। और लेट्स से मेरी ये जो लेंथ थी L2 डैश थी, और L2 डैश में से जब आप L2 को, क्योंकि बेसिकली L2 माइनस करेंगे ना आप, L2 तो था ये, तो ये किसके इक्वल आएगा, 2x के इक्वल आएगा। L2 डैश मतलब जब आप इसको यहां पे लेके गए, ये वाली कहानी बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन आपको चाहिए था यहां पे आवाज सुननी है, आवाज सुननी है, यानी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ये केस किसका था, कंस्ट्रक्टिव का इंटरफेरेंस, यानी कि जब मैं उसे x डिस्टेंस से दूरी पर खींचता हूं तो नेक्स्ट इंटरफेरेंस जो आएगा, पहला अगर n लैम्डा हुआ, दूसरा मतलब देखो मैंने मान लिया पहला लैम्डा हो गया, दूसरा 2 लैम्डा पे आता है, तीसरा 3 लैम्डा पे आता है, ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का केस था, समझ में आ रही है ना बातें। तो इसका मतलब अगर n लैम्डा पहला था, 2 लैम्डा आने के मैं ले सकता हूं, n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा हो जाएगा, कोई भी वैल्यू होगी वो n+1 के इक्वल आ जाएगी ना, समझ में आ रहा है भाई। दूसरी जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगी वो n+1 हो जाएगा, क्योंकि पहला केस n लैम्डा पे था, दूसरा केस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, n+1 करोगे तो वहां पे 1 था, 2 लैम्डा, ऐसे तीसरा लैम्डा मतलब 2+1 हो जाएगा। तो बेसिकली ये कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि मेरे पास जो L2 डैश से वेव ट्रेवल करके आई है और माइनस L1, ये तो पार्ट डिफरेंस है, जैसे यहां पे L2 माइनस L1 की, तो यहां पे फिक्स थी L2, अब की बार तो L2 हमारे पास ही आ रही है, L2 डैश माइनस L1 ये किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, n+1 टाइम्स ऑफ लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। यहां पे L1 क्या है सर, L1 का ही लेंथ है, बेसिकली मेरे पास आवाज आने के दो तरीके हैं, मतलब जो कंस्ट्रक्टिव जब वो वेव मिलेगी तभी तो मैं टन की आवाज आएगी, तो ये वेव ने दो रास्ते चुने, एक रास्ता इधर से एक रास्ता इधर से, अब जब आपने इसे एग्जिस्टेंस से पीछे खींचा तो ये टू एग्जिस्टेंस पीछे हो गया बेसिकली पूरा डिस्टेंस। तो अभी जब ये ऐसे घूम के आएगा यहां पे और इस वेव से मिलेगा, इसका यहां पे जो साउंड आएगी वो आपको मिलेगी, तो यानी कि L2 डैश ये पूरा जो L2 डैश माइनस इसका पार्ट डिफरेंस L1 से, ये दूसरा सेकंड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया ना, एक थर्ड करूंगा तो L3 डैश माइनस L1 हो जाएगा, एंड सो ऑन चलता ही जाएगा, हां समझ में आ रहा है। तो n प्लस वन लैम्डा हो गया, अब ये L1 की वैल्यू यहां से पुट कर सकता हूं, L2 माइनस n लैम्डा हो जाएगा, हाँ। यहां से पुट कर दो ना, L2 L1 इज इक्वल टू L2 माइनस n लैम्डा हो जाए, है ना, ये माइनस है, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं L2 डैश माइनस L1 की जगह पे ब्रैकेट ले लेता हूं, क्या आया था, L2 माइनस n लैम्डा इज इक्वल टू ब्रैकेट में मल्टीप्लाई खोल दो n लैम्डा प्लस लैम्डा, ये खोल दिया मैंने, था n की मल्टीप्लाई कर इसकी मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो मेरे पास आएगा L2 डैश माइनस L2 प्लस n लैम्डा इज इक्वल टू n लैम्डा प्लस लैम्डा, n लैम्डा से n लैम्डा गया, ये क्या कर, ये ठीक है, स्क्वायर नहीं हो ये, ठीक है। अब देखो L2 डैश माइनस L2 इज इक्वल टू लैम्डा आया, L2 डैश माइनस L2 इज इक्वल टू लैम्डा आया,
लैम्डा वेवलेंथ, और यहां पर देखो l2 - l2 2x आया, तो इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूं, 2x इसके बराबर है लैम्डा के, ठीक है। अब आप लोगों के पास लैम्डा की वैल्यू मिल गई 2x, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी साइलेंट कर दो जिसका भी, 2x is equals to lambda हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, ध्यान सुनिए बेटा, आपके पास जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी और वेलोसिटी की और वेवलेंथ का इसका रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, v is equals to lambda into mu, v is equals to lambda into mu, और जो फ्रीक्वेंसी है मैंने क्या बोला था, यहां से आपने कोई नॉन फ्रीक्वेंसी को हट किया है ना, ये तो आपको नोन होगी, लेट से f नॉट है, जो भी वैल्यू होगी वो तो आपको गिवन होगी या फिर नोन होगी, तो जो आपके पास f नॉट है तो f नॉट आ गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या है 2x, तो 2 टाइम्स x ऑफ f नॉट अगर आप कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेलोसिटी मिल जाएगी। समझ में आती है, ये कहानी रहती है कि आप वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, तो आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन स्क्रिप्ट हमारे कॉम्पिटिशन में आने के लिए अगर रहता है, लेकिन स्कूल में तो मुश्किल है कि ये कराया जाए या फिर इससे क्वेश्चन पूछा जाए, कॉम्पिटिशन का तो बन सकता है, कॉम्पिटिशन में कुछ भी आ सकता है, कॉम्पिटिशन में कोई चीज एक्सक्लूड तो है नहीं। समझ में आया, किसी कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन स्क्रिप्ट स्क्रीनशॉट ले लिया, आगे चल सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास, ध्यान सुनना, जो कहानी अगली है फिर से वही कॉम्पिटिशन के लिए है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए, हेडिंग रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब वेव का जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरीके से आएगा और कैसे आएगा, ये आप लोगों को समझना है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट आराम से क्लियर हो जाएगा। कैसे, इधर देखिए, ये आप लोगों के पास दो तरीके से तैयार की जाती है, एक होता है फिक्स्ड सरफेस पर और एक होता है फ्री सरफेस पर। सर मतलब ये कि आप लोगों के पास एक स्ट्रिंग रखी गई है और ये मेरे पास किसी भी तरीके से यहां पर कोई फ्रीडम नहीं दी गई, यानी कि आपकी रस्सी यहां पर क्या है, बाउंड कर दी गई है, रस्सी यहां पे बंधी हुई है, फिक्स है। लेकिन फ्री सरफेस में क्या है, आपने जो रस्सी डाली उसमें रिंग है, यानी कि उसमें क्या है, यहां पे रिंग, तो आप वेव करो तो रिंग की वजह से ऊपर नीचे हो सकती है, तो यहां पे जो वेव आएगी वो हमारे पास कैसे आएगी, रिंग वाली आएगी, है ना, ये भी हम लोग देखेंगे आगे, मैं समझाऊंगा। रिंग कैसे हो सकता है, अरे किसी के ऊपर छल्ले से डाल दो ना, तो उस एंड को फिक्स मत करो, तो जब आप वेव दोगे ना तो वो रिंग भी ऊपर नीचे कर सकती है, तो यानी कि फ्री सरफेस वाली वेव, फिक्स सरफेस नहीं है, वेव के लिए कैसे यहाँ पे सरफेस फ्री है, यानी कि ये जब वेव ऊपर नीचे करे तो ये भी ऊपर नीचे करे, ये फ्री सरफेस की खासियत, ठीक है। अब देखो, आपने यहां से वेव को झटका दिया, वेव ऐसे जाएगी धीरे धीरे और बढ़ते 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 यहां तक पहुंच जाएगी, राइट। अब जब वेव यहां से यहां पर जा रही हो तो एक्चुअल में इसके एक्शन के लिए, क्योंकि ये फिक्स है, न्यूटन साहब का थर्ड लॉ आ जाएगा यहां पर भी, कि एक्शन के लिए रिएक्शन होगा और वापस जाते समय याद रखना इक्वल भी होगा और ऑपोजिट भी होगा, तो याद रखना जब आपके पास फिक्स होती है तो न्यूटन साहब के लॉ की वजह से ये वेव वापस तो जाती है लेकिन वापस ऐसे नहीं जाएगी, ये इंसिडेंट वेव है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो जाती है वो हमारे पास उल्टी होकर जाएगी और आगे हमारे पास जो पहुंचेगी वो हमारे पास ये पहुंचेगी, ये देखो, समझ में आया, कहानी समझ में आई, यानी कि जब फिक्स सरफेस होता है तो हमारे पास जो वेव आती है फिक्स सरफेस पर पहुंचने के बाद रिफ्लेक्ट होते समय पाई डिग्री से बदल जाती है, 180 डिग्री से बदल गया ना, पहले ऊपर थे 10 नीचे हो गए, तो इसमें फेस चेंज हो गया, इसमें फेस चेंज हो गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, क्लियर, कॉन्सेप्ट डिस्ट्रक्टिव का खेल नहीं आया, बस अभी तो यहाँ पे आपका जो है बताया जा रहा है कि फ्री सरफेस में क्या होगा और फिक्स सरफेस में क्या होगा, ये फिक्स सरफेस समझ में आ गया, फिक्स सरफेस में फेस चेंज होता है बाय पाई डिग्री, चेंज हो गया। अब बात करते हैं फ्री सरफेस, फ्री सरफेस में आपने जैसे यहां से वेव दी, वेव आगे चलेगी और जब वेव इस कॉर्नर पहुंचेगी, क्योंकि आपके पास ये क्या है फ्री, तो जैसे यहां पहुंचेगी रिंग ऊपर चली जाएगी और जब रिंग नीचे आएगी तो ये इसी डायरेक्शन में छोटा नहीं हो रहा वापस, नहीं अरे सेम ही आएगी ना, लॉस नहीं हो रहा, मैं मान के चल रहा हूं,
कोई पावर लॉस नहीं हो रहा है मान के चलो, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में वापस आ जाएगी, यानी कि फ्री सरफेस में नो इन्वर्जन टेक्स प्लेस, शेप का कोई भी इन्वर्जन नहीं होता, यहां पे होता है, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, इस वाले केस में अगर मैं मान के चलता हूं ये मेरी सेंटर की पॉइंट है, एक सेंटर की पॉइंट है और यहां से मेरा ये फिक्स है, ठीक है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड केस में ये जो सेंटर वाला पॉइंट होता है ना, यहां पे सेंटर वाले पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हमेशा कितना आएगा, जीरो, लेकिन इसमें जीरो नहीं होता है, फिक्स। फ्री वाले में कैसे जीरो हो जाएगा, क्योंकि वो तो वापस हां उधर से गया, रिफ्लेक्ट होकर फेस थोड़ी चेंज कर रहा है, यहां के सेंटर पे जीरो होगा, हां यहां के सेंटर पे हमेशा जीरो है, समझ में आता है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, देखो ऐसे जा, अब कंटीन्यूअस चल रहा है बेसिकली, ये तो मैंने आपको एक टेप दिखाई, इसलिए आपको दिखानी पड़ेगी कि वो आई और वो गई, पर कंटीन्यूअस चल रहा है, तो जितनी आ जाएगी सेंटर पे जाके वो, और मैंने क्या बताया था कि वेव, उसने बताया था मैंने कि इस इधर जाने वाली वेव का इधर जाने वाली वेव से कोई डिस्टेंस नहीं है, जैसे आगे हो जाए फिर तो वो कहीं चलती रहेगी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं, रिफ्लेक्टेड सरफेस और ये फ्री सरफेस वाली चीज कहीं समझ में आ गई, लेकिन इनमें चेंज होगा, पाइडेरिया चेंज होगा, आई मेरी बात सुनो, सस्टेन इंटरफेरेंस के इसके और जो अभी आगे क्वींस क्यूब कराया उसके और जो भी आगे टॉपिक कराऊंगा उसके, सबके न्यूमेरिकल्स हैं वन उसमें करा दूंगा अभी, पर पहले मैं टॉपिक खत्म कर देता हूं, हो सकता है तो आज कर लेंगे और क्लास कर लेंगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा जल्दी, कोशिश करूंगा आज ही करा दूं, समझ में आ गया, फ्री सरफेस और फिक्स सरफेस में क्या अंतर है, कोई दिक्कत तो नहीं, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव समझ में आ गया, यानी कि फिक्स सरफेस पर हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई डिग्री से चेंज जाएगा। अब आते हैं असली कहानी पर, ये रिफ्लेक्शन जब होती है हमारे पास, और रिफ्लेक्शन भी कराते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थोड़ा टॉपिक भी पढ़ा देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन भी इसी में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 10th क्लास में आप लोगों ने रिफ्रैक्शन नाम की एडिंग पढ़ ली थी, स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्शन, लाइट आई, क्लास में गई, स्पीड कम हो गई, ऐसा ही कुछ इंट्रोड्यूस कराते हुए मैं आज आप लोगों के समक्ष वेव की रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहां पर आप लोगों की आई इंसिडेंट वेव, आई इंसिडेंट, ये इंसिडेंट वेव थी, तो यहां पर आप लोगों के पास वेव रिफ्लेक्ट होके जाएगी, लेकिन इस बार ये मीडियम मान के चल लेते हैं हम लोग M1 है, ये मीडियम M2 है, तो लाइट इंसिडेंट होती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो कुछ लाइट ट्रांसमिट भी होती है, कुछ पास भी जाती है, यस, ये वाली जो वेव है इसे मैं कहता हूं ट्रांसमिटेड वेव, कौन सी वेव कह रहा हूं बेटा, ट्रांसमिटेड वेव, ये वाली जो इस तरफ आई ये मेरे पास कौन सी है बेटा, इंसिडेंट वेव, और ये वाली वेव मेरे पास कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, सिंपल सी बात है, वेव आई कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा दूसरे मीडियम में, ठीक है चलेगा, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास इक्वेशन लिखनी है और किस तरीके से लिखनी है वो आपको पता होगा, आइए शुरू करते हैं, लेट्स से y1 वाली जो वेलोसिटी है, y1 वाली जो मेरी वेव है, ये वाली इंसिडेंट वेव वाली मैंने y1 मान ली, इस वेव को मैं मान के चल रहा हूं a sin ओमेगा t, लेकिन a किसका, इंसिडेंट वेव का, तो मैंने a i लिख दिया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, नॉर्मल वेव इक्वेशन लगा रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा, ओमेगा t माइनस, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस के वन एक्स, समझा करो के वन एक्स लिख दो प्लीज, के वन क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे मीडियम है हमारे पास, ए साइन ओमेगा टी माइनस के वन एक्स, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ऐसे ही वाई टू की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, ए रिफ्लेक्टेड, टू वन इसको मान लेता हूं, टू इसको मान लेता हूं, थ्री इसको मान, चलेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ठीक है, ए रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी, देखो वेव वापस इस डायरेक्शन में आ रही है, तो के टू नहीं बेटा, मीडियम सेम है, मीडियम सेम है, के टू नहीं लिखेंगे, वन टू के हिसाब से मत जाओ, मीडियम के हिसाब से के को चेंज कर सकते हैं बस, उस मीडियम में चेंज, हाँ इसमें चेंज हो जाएगी बिल्कुल, मैं मना कब कर रहा हूं, और सिमिलरली आपके पास जो वाई थ्री आएगी वो आएगी ए ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी, डायरेक्शन देखो उधर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस के टू टाइम्स ऑफ एक्स, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, अब मैं मान के चल रहा हूं सिंस द वेव आर कॉन्टिन्यूस, सारी वेव कैसी हैं, कॉन्टिन्यूस, कैसी वेव है, सारी कॉन्टिन्यूस वेव है, अगर वेव सारी कॉन्टिन्यूस हैं और इस बाउंड्री पर, ये क्या है मेरे पास, एक बाउंड्री है,
तो इस बाउंड्री पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा ऑन बोथ साइड्स, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बेटा जितनी वे जितना डिस्प्लेसमेंट है ना दोनों तरफ उतना जितना इधर जाएगा उतना इधर जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर ये रिफ्लेक्ट हुई है तो कुछ ट्रांसमिट तो हुई है, नेट डिस्प्लेसमेंट अलग इक्वल, क्यों, जितना रिफ्लेक्ट हुआ है उसे माइनस कर दोगे इसमें, तो आपके पास आंसर किसका आएगा, ट्रांसमिट का तो आ जाएगा यार, समझो ना, इसमें से इधर कुछ आया इधर कुछ गया तो बचा हुआ ये जो है ये तो आगे जा रहा है, तो कैसे निकालोगे, नेट डिस्प्लेसमेंट से, इसमें से इसे माइनस कर दो, ये तो बराबर लेंथ आ जाएगी, और वेव कंटीन्यूअस है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑन बोथ साइड विल बी इक्वल, समझ गए कहानी का क्या चाह रहा है, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो मेरी y1 है प्लस मेरी y2 है ये y3 के इक्वल हो जाएगा, भाई y2 माइनस का आ जाएगा वो बात की बात है, पर मैं वेव थोड़ी माइनस कर रहा हूं, समझो यार मेरी बातों को, समझ पा रहे हो ना, y1 plus y2 ये बराबर में माइनस में आएगा वो बाद में जाएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, पर नेट वेव में प्लस ही करूंगा, वो तो बात की बात, तो क्या मैं अपने इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, y1 की जगह मैंने y1 कौन सी वाली मान दी, ai plus y2 यानी कि a रिफ्लेक्टेड, ये किसके इक्वल है, a ट्रांसमिटेड, समझ में आ रहा है यार, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ठीक, अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि सारी इक्वेशन को dy by dx करने जा रहा हूं, यानी कि इसको भी dy by dx करना, इसको भी dy by dx करूंगा, इसको भी dy, सेम चीज तो सबके साथ कर सकता हूं, तो dy by dx की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, देखो इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस k बाहर, इवन k1 बाहर हो जाएगा, माइनस k1 बाहर, और इसे इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ai cos ओमेगा t माइनस k1x, सिमिलरली दूसरी वाली कितना हो जाएगा बेटा, k1 प्लस का बाहर आएगा इसका, ar cos ओमेगा t माइनस प्लस k1x, अरे कुछ निकल आना चाहिए इधर, ठीक है आई बताऊंगा क्यों, dy by dx तीसरे वाले के लिए कितना आ जाएगा, माइनस k2 at cos ओमेगा t माइनस k2। अब देखिए जब मैंने पॉइंट ये वाला लिया है इस जगह पर, मैं सारी कहानी कहां पे कर रहा हूं, इस बाउंड्री की बात, ठीक है, इस पॉइंट पे एट द बाउंड्री x = 0 तो ये कहानी तो खत्म, और cos ओमेगा t सब तरफ बराबर है, बराबर है, तो आप क्या मतलब कट ही जाएगा cos ओमेगा, ये तो 0 हो जाएगा टर्म, और इस इक्वेशन में अगर मैं रखता हूं y1 + y2 + y3 इस इक्वेशन में, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ai k1 माइनस का प्लस ar k1 प्लस का इज इक्वल्स टू, ट्रांसमिटेड वाली क्या थी, at k2, यहां तक बताओ मुझे किसी कोई दिक्कत क्या बेटा, हां at माइनस है, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं ये करता हूं इस इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि ai k1 माइनस ए आर के वन इज इक्वल टू ए टी टाइम्स ऑफ के टू, यहां तक बताओ मुझे, समझ में आ रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दी तो बेसिकली दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, अब के की वैल्यू क्या हुआ करती थी, 2 पाई बाय लैम्डा, 2 पाई तो कांस्टेंट है लेकिन मीडियम में वेवलेंथ चेंज होती है, तो लैम्डा जहां पे के वन है वहां पे लैम्डा वन ले लूंगा, और जहां पे के टू यहां पे लैम्डा टू ले लूंगा, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं ए आई, के की जगह पे कह सकता हूं 2 पाई बाय लैम्डा वन माइनस ए आर टू पाई बाय लैम्डा वन इज इक्वल्स टू ए टी टू पाई बाय लैम्डा, क्या दोनों तरफ से मैं लैम्डा खाली कर सकता हूँ, टू पाई खाली कर सकता हूँ, सॉरी टू पाई दोनों तरफ आ रहा है कॉमन में कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो यहाँ पे कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए आई माइनस ए आर चलेगा वन इंटू वन अपॉन लैम्डा वन इंटू वन अपॉन लैम्डा वन इज इक्वल्स टू ए टी वन बाय लैम्डा टू चलेगा, लैम्डा वन को इधर लेके चला जाऊं तो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी वेवलेंथ की टर्म्स में ए आई माइनस ए आर इज इक्वल्स टू ए टी टाइम्स लैम्डा वन बाय लैम्डा टू, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को, समझ में आ रहा है साफ साफ किस स्टेप आ रहे हैं, अब देखो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक चीज कराई थी कि v इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा, मीडियम के चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना वेव की, तो
तो यानी कि f कांस्टेंट है, तो v डायरेक्टेड प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो जाएगा, यानी कि v1 / v2 = लैम्डा 1 / लैम्डा 2 हो जाएगा। अरे भाई कोई भी कहानी अगर ऐसे हो जाएगी इसका मतलब ये तो है v1 लैम्डा 1 = v2 लैम्डा 2, नहीं v1 / लैम्डा 1 = v2 लैम्डा 2, इसी कहानी ये होती है। ये v / लैम्डा = कांस्टेंट आता है ना, v / लैम्डा = कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा 1 / लैम्डा 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, v1 / v2। तो अगर आपको वेलोसिटी दे रखी है तो आप लोग इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन तीन चीजें अननोन, ए आई ए आर ए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी दो चीजें हो, तीन चीजें अननोन में दिक्कत रहती, तो यानी कि मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ इंसिडेंट या रिफ्लेक्टेड, यानी कि एक बार मैं रिलेशन निकालना चाहूंगा इंसिडेंट का रिफ्लेक्टेड के लिए और एक बार रिलेशन निकालना चाहूंगा इंसिडेंट का ट्रांसमिटेड के लिए, ठीक है। कि आपको वो दिया रहेगा इंसिडेंट वेव की एम्पलीट्यूड आपको दे रखी होगी, तो आपसे पहले पूछेगा रिफ्लेक्टेड का एक बार ट्रांसमिटेड का। तो देखो अब इसके आगे मैं इसको मिटा के आगे चल सकता हूँ, यहाँ पे दिख रहा है कैमरे में, दिख रहा है यहाँ, चलो बता देना तो दिख रहा है कि नहीं, उसके आगे कहानी कर रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन आई दिख रहा है बेटा, ए आई माइनस ए आर इज इक्वल टू ए टी वी वन बाय वी, ये एक क्वेश्चन आई थी, ठीक है। अब देखा जरा AT की वैल्यू क्या मैं AI प्लस AR लिख सकता हूँ, AT की वैल्यू क्या मैं AI प्लस AR लिख सकता हूँ, बहुत पहले कर लिया था ये तो इसके बाद का है, पर ये तो बहुत पहले कर लिया था। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी AI माइनस AR इज इक्वल टू AI प्लस AR इंटू वी वन बाय वी टू हो जाएगा, वी टू इधर मल्टीप्लाई आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास कहानी आ जाएगी ए आई बी टू माइनस ए आर बी टू इज इक्वल टू ए आई बी वन प्लस ए आर बी वन, बी वन की होगी ना मल्टीप्लाई, इसकी इसे मल्टीप्लाई हो रही बी टू इधर लेगा, समझ में आ रहा है क्या कहानी की है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको इधर मल्टीप्लाई, तो आई आई वाले एक तरफ रख दो, ए आई बी टू माइनस ए आई बी वन बराबर हो जाएगा ए आर वी वन, ये माइनस से आगे प्लस हो जाएगा प्लस ए आर वी टू, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास कहानी क्या आ जाएगी, कहानी कुछ ऐसी आ जाएगी ए आई कॉमन आ गया वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू ए आर कॉमन आ गया वी वन प्लस वी टू, आपको इंसिडेंट के टर्म्स में निकालनी है तो आप क्या लिख सकते हो ए आई इज इक्वल टू ए आर वी वन प्लस वी टू अपॉन में v2 माइनस v1, ये आ जाती है। ऐसे एक बार r को हटा के t के टर्म्स में रखोगे मतलब इस इक्वेशन से, तो ai और मैं डायरेक्ट लिख दूं, समझ में आ रहा है कैसे करना है, वैल्यू पुट करनी है बेसिकली, r को हटा के t के टर्म्स में लिख देना, मतलब जब ये वाली इक्वेशन है ना ar की जगह आगे तो ai माइनस at और पूरा ये डेरिवेशन हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूं, ai का जो आता है वो आता है 2 टाइम्स v1 into ai बहुत हो गया at अपॉन v1 प्लस v, अरे i और t की टर्म्स में, i और t की टर्म्स में जो वैल्यू आती है मैं एक बार बुक में देख के बता देता हूँ जो एग्जैक्ट वैल्यू है यही है या नहीं है, तो कहाँ गया आ, 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 ये आती है 2 टाइम्स v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है v2 v2 बुक में, ठीक है डेरिवेशन है वो कर लेना, मैंने करी नहीं है, तो एक t और ये भी उल्टा हो गया, t के निकाल लेना i के रेस्पेक्ट, ठीक है ये तो डायरेक्शन करी थी, अब वही डायरेक्शन करे तो पूरा सही आया था, पर मैं इतना टाइम वेस्ट क्यों करूं, रिजल्ट आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैंने इसलिए डायरेक्ट कर दिया, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, यानी कि आपसे पूछा जाएगा अगर आपको एंप्लीट्यूड दे रखा है तो इस तरीके से आपके पास कैसे काम है, ये कहानी समझ में आ गई, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं नीचे वाला क्वेश्चन मिटा दूं, स्क्रीनशॉट इसको लेना ले लो, मेरे को नीचे वाला क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा क्योंकि इस टॉपिक में भी कुछ चीजें बाकी हैं और न्यूमेरिकल सब अगली क्लास में कर पाएंगे, लेकिन टॉपिक समझ में आ जाएगा आपको सारा, अगली क्लास में सारे जितने टॉपिक है ना उनको न्यूमेरिकल 20-25 साल निवेरी करके और फिर आगे जो अपनी कहानी चलेगी स्टेशनरी वेव, ठीक है। आप देखो आगे क्या कहना चाहता हूँ, आगे बेटा मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ध्यान सुनिएगा इस चीज को, कि अगर मेरे पास कोई जगह पर फिक्स बाउंड्री रहती है, क्या रहती है फिक्स बाउंड्री रहती है, ध्यान सुनो, फिक्स बाउंड्री रहने का मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट मास पर यूनिट लेंथ है, यानी कि उसका म्यू जो है वो कैसा हो जाता है इनफाइनाइट, समझ में आया, फ्री एंड के लिए क्या कहानी होती है, सॉरी फिक्स एंड के लिए म्यू की वैल्यू क्या रहती है इनफिनिट। अब आपको पता है v इज इक्वल्स टू अंडर रूट t बाय म्यू,
v क्या होता है अंडर रूट t बाय, ठीक है। तो अगर ऐसे केस में आपको v2 की वैल्यू अगर दी जाती है, ठीक है, तो क्योंकि v1 तो हमारे पास इंसिडेंट वाली थी, v2 या तो रिफ्लेक्टेड की होगी या फिर ट्रांसमिटेड की होगी, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर जब आपका फिक्सेड होता है तो म्यू कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट मात्रा में जीरो हो गया, अपॉन इनफिनिटी जीरो, तो यानी कि v2 की वैल्यू आपके पास क्या जाएगी, जीरो। और अगर आपके पास ऐसे केस में a t की वैल्यू क्या आ जाती है, तो फॉर फिक्स्ड एंड, जब भी ध्यान से सुनना, मैंने आपको कुछ चीज बताई थी, अब मैं दोबारा इससे रिलेट करता हूं। फॉर फिक्स्ड एंड ट्रांसमिट कुछ हुआ ही नहीं था, बिल्कुल सही बात थी, जब मैंने आपको यहां पे फिक्स एंड करके दिखाया था, याद कीजिए, फिक्स एंड में जितना आया उतना वापस आया, क्यों, क्योंकि उसमें ए टी जीरो है ना। और देखो कहानी देखो, जब आपके पास वी टू जीरो हो जाएगा, वी टू यहां पे अगर आप जीरो रखोगे, ए आई और ए आर रिलेशन देखो, ये जीरो, ये जीरो, ठीक है, वी वन से वी वन कट जाएगा फिर, मतलब समझ रहे हो, मतलब अगर उसे जीरो रखोगे तो ए आई की वैल्यू कितनी आएगी, ए आर इन टू वी वन प्लस जीरो वी वन, वी टू माइनस जीरो माइनस वी वन इज माइनस वी वन, वी वन से वी वन गया तो ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आर, क्या हुआ था, डायरेक्शन उल्टा हुआ था, ये देख लो भाई, समझ में आ गए। तो वो रटने का तरीका होता है, ये समझाने का तरीका होता है, पर पहले बताना जरूरी है, क्योंकि तुम्हें समझ में आ जाएगा, अब आप रिलेट कर पा रहे हो आराम से, समझ में आ गई कहानी, ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आर, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहां तक, दिक्कत तो नहीं है, लाइट कम हो रही है क्या अब, ठीक है, चलो ये क्लियर है, दिख तो रहा था इतना, क्यों टेंशन ले रहे हो, बिजली बचाओ, देश उड़ाओ, ठीक है, चलो अंधेरा हो जाएगा, मजा आता है, कैसी क्या 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 कह रही है, अच्छा अंधे हो जाएंगे, मैं गलत सुनता हूँ ना, या मैं वही सुनता हूँ जो मैं सुनना चाहता हूँ, चलो 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 वापस आते हैं, अभी ये कहानी समझ में आई, हाँ, तो ये चीज आप लोगों से पूछी जाती है। अच्छा अगर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास फिक्स्ड की जगह फ्री एंड कर देता हूं, फिक्स्ड की जगह फ्री एंड कर देता हूं, तो उस समय पर आपके पास जो म्यू की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, हाँ, मास वैल्यू कुछ आएगा नहीं, फ्री कर दिया, फ्री एंड, ये स्पॉट फिक्स एंड था, फिक्स एंड भाई, मास वैल्यू कुछ आएगा तो हिल रहा है अब, तो वो तो स्ट्रेट टेंशन वायर पे रहती है, तो म्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी इस बार, जीरो, तो वी टू इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा उस केस में, यार अपॉन जीरो इनफाइनाइट, और अगर इनफाइनाइट करता हूं यानी कि फॉर फ्री एंड, वी टू की वैल्यू जीरो हो गई, अब करके देख लो, इनफाइनाइट प्लस समथिंग इज इनफाइनाइट एंड v2 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट इनफाइनाइट कट जाएगा, तो at बराबर हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ai, at क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, ai क्या है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, क्लियर छे, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा, इंफिनिटी प्लस समथिंग इज इंफिनिटी, ये इनफाइनाइट हुआ, इंफिनिटी माइनस समथिंग इज इंफिनिटी, तो ai ar के यानी कि इस बार डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी, और आपको बताया ही था फ्री वाले केस में क्या हुआ था, यहां से ऐसे आया, ये चढ़ गया और ये ऐसे ही वापस इस डायरेक्शन में वापस आ गया, रिंग चढ़ जाती है उसमें ऊपर नीचे, रिंग मूव कर रही होती है, ठीक है। ये कहानी आप लोगों के पास आती है एक छोटी सी, अब आपसे पूछा जाता है, बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है वो, मतलब दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मैं आपको जो है कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ और ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास ये एक लाइटर स्ट्रिंग है, कैसी है, लाइटर स्ट्रिंग, और मैंने यहां पे इसको जोड़ दिया एक हैवी स्ट्रिंग से, समझ में आ रहा है डिफरेंस आपको साफ दिख रहा है, एक लाइटर एक हैवी, ठीक है। आपने वेव चालू करी इस पे, वेव चालू करी ऑन लाइटर स्ट्रिंग, यानी कि वन लाइटर है और टू हैवी है, ठीक है। जब आप वेव चालू करोगे लाइटर स्ट्रिंग से तो हैवियर स्ट्रिंग पे जाएगी, इसके केस में होगा क्या बेटा, कि यहां वाली जो आपने वेव चालू करी है ना, ऐसे जैसे ही जंक्शन पे पहुंचेगी तो ये आप लोगों के पास वही वाली बात आई बाउंड्री वाली, तो यानी कि क्योंकि मीडियम डिफरेंट हो गया, लाइट रह गई, बेसिकली मास प्रोडक्ट लेंथ बढ़ गया इसका, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, लाइट से हैवी जाते समय कुछ वेव तो ट्रांसमिट हो जाएगी, कुछ वेव तो इसमें ट्रांसमिट हो जाएगी और कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी, पर रिफ्लेक्ट उल्टी डायरेक्शन, यानी कि लाइटर से हैवी जाते वक्त
शेप इन्वर्जन होता है, ठीक है। लेकिन उल्टी कहानी अगर मैं आपको बताऊं कि आपने इस बार ऐसी कहानी है कि आपके पास पहली हैवी है और दूसरी आपके पास क्या है लाइट है, ठीक है। तो हैवी से लाइट जाते वक्त कहानी क्या होगी कि ये जो इंसिडेंट वेव रही होगी इससे ये आगे जाएगी ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ट्रांसमिट वाली वेव तो ऐसे ही चलेगी लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगी इस पॉइंट से वो भी इसी डायरेक्शन में आकर रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि हैवी से लाइट जाते वक्त नो इन्वर्टेड इन रिफ्लेक्टेड वेव, नो इन्वर्जन इन रिफ्लेक्टेड वेव, यानी कि रिफ्लेक्टेड वेव में इन्वर्जन नहीं होगा लेकिन इसमें हो जाएगा। लाइट वाले में जब जाएगी हैवी वाले से तो कोई इन्वर्जन नहीं होगा। याद रखिएगा, नोट वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसमिटेड वेव वो कभी भी इन्वर्ट नहीं होती है, ट्रांसमिटेड वेव इज नेवर इन्वर्टेड। अब मेरी बात जरा एक बार ध्यान सुनो, ऐसा कह सकता हूं कि मैं ये लाइट वेव है, लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग से कोई चीज हैवी स्ट्रिंग में जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, समझ रहे हो। हल्की चीज से कोई भारी चीज में जा रही है स्पीड तो कम हो जाएगी, है ना। तो जब भी वेव, आपको याद करने लगेगा, व्हेन वेव ट्रेवल्स इन सच अ मीडियम दैट इट रिड्यूसेस स्पीड, यानी कि जब वी डिक्रीज होगी तो वेव इन्वर्ट होगा, ये भी याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इससे ऐसे वैसे की वेलोसिटी इतनी थी, इतनी वेलोसिटी थी, इस मीडियम में इतनी थी, इसमें तो बताइए वेव इन्वर्ट होगी या नहीं होगी, सेम रहेगी ऐसे ले जाएगी। तो आपको याद रखना है अगर वेलोसिटी एक मीडियम दूसरे जाने पर डिक्रीज हो रही है तो इन्वर्ट होगा, बेसिकली रिफ्लेक्शन का कहानी चल रही है। यानी कि अगर आपके पास वी वन की वैल्यू ग्रेटर देन वी टू है, इसका मतलब क्या है, वी वन आपके पास रेयर मीडियम है और वी टू आपके पास कैसा मीडियम है, डेंसर, तभी तो उसकी वैल्यू कम होगी। डेंसर में जाते वक्त, यानी कि रेयर से डेंसर में जाते वक्त वेलोसिटी क्या आती है, डिक्रीज, यही हमने पढ़ा था। और वेव क्या आती है, इन्वर्ट। इसलिए मैंने कहा था टॉपिक में पढ़ाऊंगा मैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। लेकिन अगर आप डेंसर से रेयर में जाते हैं तो आपके पास वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, क्योंकि देखो ये कहानी है ना, हैवी से लाइट में चले गए तो हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और इस केस में नो इन्वर्जन ऑफ शेप टेक्स प्लेस, कोई शेप का इन्वर्जन नहीं होता है, इसका रीजन आपको फिर समझ में आ गया होगा, v इज इक्वल्स टू t बाय न्यू। हैवी से लाइट में जाते वक्त न्यू कम हो गया, म्यू यहाँ पे जाता है, मास मोमेंट लेंथ यहाँ पे ज्यादा होता है, हैवी में ज्यादा होता है ना, ये कम होने की वजह से भी बढ़ जाता है। लाइट से हैवी में जाते म्यू बढ़ गया और म्यू बढ़ गया तो वी कम होगा, ठीक है। सारा कॉन्सेप्ट है बेटा, जितने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके समझते जाओगे उतने ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है, समझ में आता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं न्यूमेरिकल जो है सारे इतने टॉपिक्स में 15 से 20 मिनट में करा दूंगा, सारे न्यूमेरिकल लिख दूंगा भाई, जैसे करते हैं न्यूमेरिकल लिख दूंगा, टाइम वेस्ट ना हो और उसको हम लोग पढ़ के सॉल्व कर लेंगे अगली क्लास से पहले। आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, अच्छा भी था, रिफ्लेक्ट भी है ना, ये सब देख भी लेंगे एक बार ट्राई करके, होता भी है या नहीं, अगली क्लास में बनता है तो वीडियो में डाल देंगे, नहीं बना छुपा देंगे, ये तो करते हैं, कोई बात नहीं क्या हो गया, सच्चाई तो यही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।